आप जियोलॉजिस्ट के बारे में क्या जानते हैं? यही कि जियोलॉजिस्ट ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी की हिस्ट्री को, उसके इतिहास को स्टडी करते हैं और उसके बेस पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन एक जियोलॉजिस्ट का काम इससे कहीं ज्यादा डीप होता है। जियोलॉजिस्ट को जियो फिजिसिस्ट और जियो हाइड्रोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। जियोलॉजिस्ट ही अर्थ क्वेक, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स और वॉल्केनिक इरप्शन की स्टडी करता है, और अर्थ के स्ट्रक्चर और इसके ओरिजिन की स्टडी करना भी एक जियोलॉजिस्ट का ही काम होता है। तो ऐसे में आप जियोलॉजिस्ट की इम्पोर्टेंस तो समझ ही गए होंगे, और हो सकता है कि आपने से बहुत सारे स्टूडेंट जियोलॉजिस्ट बनना भी चाहते हो। इसीलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको जियोलॉजिस्ट बनने का प्रोसीजर बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जियोलॉजिस्ट बनने की प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आप जियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जियोलॉजी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना होगा, और ग्रेजुएशन के लिए आपका 10+2 एग्जाम साइंस स्ट्रीम से क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको गेट जैसे नेशनल लेवल एग्जाम में अपियर होना होगा। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज भी अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है। तो आइए इनके बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। जियोलॉजी सब्जेक्ट में डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप इन अप्लाइड जियोलॉजी करने के लिए स्टूडेंट को 12th क्लास में कम से कम 55% यानी कि 55% मार्क्स स्कोर करना जरूरी है, और उसके सब्जेक्ट्स PCM होने चाहिए। अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात करें तो इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल होती है। इस कोर्स के लिए आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे: बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन जियोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस BSc इन जियोलॉजी, अर्थ साइंस एनवायरमेंटल साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA इन जियोलॉजी, अर्थ साइंस एनवायरमेंटल साइंस। आगे ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे: मास्टर ऑफ साइंस ऑनर्स इन जियोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस MSc इन जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी। एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन और रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए जियोलॉजिस्ट फील्ड में स्कोप भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इस स्कोप का बेनिफिट लेने के लिए आपके पास जियोलॉजिस्ट के रूप में एक रेलेवेंट डिग्री होना बहुत जरूरी है। और अगर ग्रेजुएशन करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD भी कर लेंगे तो आपके लिए स्कोप और जॉब ऑप्शंस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। जियोलॉजी में मास्टर्स डिग्री पूरी करने के बाद आप जियोलॉजी सब्जेक्ट में PhD या MPhil भी कर सकते हैं। जियोलॉजी सब्जेक्ट में मिलने वाले इन स्पेशलाइजेशंस में से आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं: मरीन जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री, वॉल्केनोलॉजी, मिनरोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और इंजीनियरिंग जियोलॉजी। तो आइए अब आपको जियोलॉजी सब्जेक्ट में UG और PG कोर्सेज करवाने वाले इंस्टीट्यूट के नाम बताते हैं: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अनामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु। तो एक जियोलॉजिस्ट बनने के बाद आप बहुत से इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग जॉब ऑप्शंस पा सकते हैं, जैसे जियोलॉजिकल एडवाइजर, सिस्मोलॉजिस्ट, मेटेरियोलॉजिस्ट और ओशियोनोग्राफर और प्रोसेसिंग जियोफिजिसिस्ट जैसे ऑप्शंस आपके लिए है। जैसे जियोलॉजिकल एडवाइजर, सिस्मोलॉजिस्ट, मेटेरियोलॉजिस्ट, ओशियोनोग्राफर और प्रोसेसिंग जियोफिजिसिस्ट जैसे ऑप्शंस आपके पास है। एक जियोलॉजिस्ट के रूप में आपके अंदर ये सारे स्किल्स होनी चाहिए: इन्वेस्टिगेशन स्पिरिट, वेरियस टाइप के डेटा को हैंडल करने की स्किल, डीप ऑब्जर्वेशन, गुड एनालाइजिंग स्किल्स और गुड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इसके अलावा टीम वर्क स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है। जियोलॉजी सब्जेक्ट में कोर्स पूरा करने के बाद आप प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में जॉब पा सकते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जैसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी जियोलॉजिस्ट की भर्ती की जाती है। इसके लिए UPSC एग्जाम कंडक्ट करता है। तो टॉप रिक्रूटर्स की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर रिक्रूटर्स ये सारे हैं:
GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, सेल, ONGC, DRDO, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स, और आपको प्राइवेट रिक्रूटर्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए ये है प्राइवेट रिक्रूटर्स: माइनिंग फर्म्स, मिनरल प्रोसेसिंग फर्म्स, मिनरल एक्सट्रैक्टिंग फर्म्स, प्राइवेट रिफाइनरीज, कोल एक्सट्रैक्शन फर्म्स, एक्सोटिक जेम्स माइनिंग फर्म्स। तो रिक्रूटर्स के बारे में जानने के बाद जियोलॉजिस्ट बनने के प्रोज और कॉन्स की बात करें तो आपको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, डिजास्टर डिटेक्शन और कंस्ट्रक्शन जैसे फील्ड्स में स्कोप मिल सकता है। इसके अलावा आप जियोलॉजिस्ट के तौर पर रोड कंस्ट्रक्शन और अर्थक्वेक प्रिडिक्शन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अपोजिट जियोलॉजिस्ट को फील्ड वर्क करना होता है, जिसके लिए उसे अक्सर रिमोट एरिया में विजिट करना होता है। ऐसे में हर किसी के लिए इस तरह का टफ फील्ड वर्क करना आसान नहीं होता है। जियोलॉजी कोर्स ऐसे कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल होता है जो अर्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में मिनरल एक्सप्लोरेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे वर्क शामिल होते हैं। अगर आपको जियोलॉजी सब्जेक्ट तो पसंद है, लेकिन आप फील्ड वर्क करने की बजाय इस सब्जेक्ट में रिसर्च या एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप इसमें PhD भी कर सकते हैं और नेट एग्जाम भी दे सकते हैं। और जहां तक सैलरी की बात है, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक फ्रेशर के रूप में आपको 15,000 से 25,000 हर महीने सैलरी मिल सकती है। ये सैलरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगी, साथ ही आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस भी सैलरी को बहुत अफेक्ट करेगा। तो दोस्तों, जियोलॉजिस्ट का प्रोफेशन एडवेंचर और एक्साइटमेंट से भरपूर होता है, और ये अर्थ की यानी कि हमारी पृथ्वी की हिस्ट्री और फ्यूचर का अंदाजा लगाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है। लेकिन जियोलॉजिस्ट बनने से पहले आपको इस फील्ड के प्रोज और कॉन्स ध्यान में रखने चाहिए, और अगर आप इस फील्ड के लिए खुद को सूटेबल समझते हैं तो जियोलॉजिस्ट बनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्विक सपोर्ट को पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको काफी मदद की होगी अपने करियर को चुनने में, कि आपको इस सेक्टर में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, या एग्जैक्टली क्या करना है। तो आगे भी ऐसी ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसी के साथ काम यहीं पर खत्म नहीं होता है। आपको जो जानकारी मिली है वो सबको मिलनी चाहिए, इसीलिए बाकी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।